हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की शुरुआत हो चुकी है और पहला मैच इंग्लैंड व साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतते हुए इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर बेयरस्टो के रूप में उनका पहला विकेट गिर गया। बेयरस्टो ने एक गेंद पे 0 रन पर आउट हो गए। उसके बाद जेसन रॉय और रूट ने 106 रनों की शानदार साझेदारी कर कर मैच को संभाला और इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दी। रॉय 54 रन पर आउट हुए 53 गेंद खेलकर 4 चौकों की मदद से और रूट 51 रन पर आउट हुए 59 गेंद खेल के 5 चौकों की मदद से। ये दोनों एक साथ ही जल्दी जल्दी आउट हो गए और रॉय की विकेट इंग्लैंड के कुल स्कोर 107 पर गिर गई और उसके 4 रन बाद ही रूट की भी 111 पर तीसरी विकेट गिर गई। उसके बाद मॉर्गन और स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी को काफ़ी अच्छी तरह संभाला। मॉर्गन ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 57 रन बनाए 60 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से, और सबसे हाईएस्ट रन स्टोक्स ने बनाए 89 रन 79 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से। और इन दोनों के आउट हो जाने के बाद बटलर क्रीज पर आए और ज़्यादा कमाल तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 18 रन बनाए 16 गेंदों पर। उसके बाद मोइन अली 3 रन पर आउट हो गए, वोक्स 13 और प्लंकेट और जोफ्रा आर्चर, प्लंकेट 9 रन पर नोट आउट रहे, जोफ्रा आर्चर 7 रन पर नोट आउट रहे। इस प्रकार इंग्लैंड की पारी 50 ओवर में 311 पे 8 विकेट खोकर समाप्त हो गई। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग एक सदी हुई तो थी, लेकिन इतनी खास दमखम नहीं था। ताहिर ने हालांकि 2 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 61 रन भी दे दिए। इसी प्रकार लुंगी नगीडी ने 66 रन देकर 3 विकेट लिए 10 ओवर में, और रबाडा ने 10 ओवर में 66 रन दिए और 2 विकेट लिए, और प्रिटोरिस ने 0 विकेट, डुमनी ने 0 और मार्करम ने 0 विकेट लिया, और अंतिम में फिलिक्कुआओ ने 8 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट लिया। और इस प्रकार साउथ अफ्रीका के सामने 50 ओवर में 312 का टारगेट इंग्लैंड टीम ने रख दिया। साउथ अफ्रीका जब 312 रनों का टारगेट लेकर क्रीज पर उतरी तो उनका प्रदर्शन काफ़ी बेकार तो था ही, लेकिन उनकी किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही थी और आसिम अमला जल्द ही रिटायर हट हो गए क्योंकि उनके सर पर बॉल लगी थी और वह खेल नहीं पा रहे थे। जब आसिम अमला की जगह मार्करम खेलने आए तो वह व्यक्तिगत स्कोर 11 रन पर आउट हो गए, जो कि उन्होंने 12 गेंद खेलकर 2 चौकों की मदद से बनाए थे। उस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर महज 36 रन था। डीकॉक ने हालांकि थोड़ी मेहनत की और 68 रन बनाए 74 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और इसके बाद डुप्लेसिस खेलने आए तो वह महज 5 रन पर आउट हो गए। वैन डूर डुसेन ने थोड़ी मेहनत की और 50 रन बनाए 61 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्कों की मदद से, लेकिन वह साउथ अफ्रीका टीम को जिता नहीं सके। डुमनी महज 8 रन पर, प्रिटोरियस 1 पर, फिलिक्कुआओ 24 रन पर, रबाडा 11 पर, ताहिर 0 पर, और आसिम अमला जब रिटायर हट होने के बाद दोबारा पिच पर खेलने आए तो उनका 13 रन पर वापस लौट जाना साउथ अफ्रीका के लिए एक हार का संकेत हो गया था और उनकी हार 200% निश्चित हो गई थी। लास्ट में लुंगी नगीडी 6 रन पर नॉट आउट रहे। इस प्रकार साउथ अफ्रीका की टीम 39.5 ओवर में और वह 50 ओवर भी नहीं खेल पाई 207 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही और वोक्स हालांकि विकेट तो नहीं लेके पाए और 5 ओवर करवाए थे उनसे। जोफा आर्चर 7 ओवर में 1 मैडन देकर 27 रन देकर 3 विकेट ली। अदिल हसीद ने 1, मोइन अली ने 1 विकेट, प्लंकेट ने 2 और स्टोक्स ने 2 विकेट ली और अपनी टीम को 104 रनों से जितवाया। यह तो अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत ही है और साउथ अफ्रीका इतनी बुरी तरह हार गई, जो कि 104 रन का अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है, और इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया आज के मैच में और उन्होंने दिखा दिया कि वह अपने घरेलू मैदानों में वर्ल्ड कप ले जाने के फुल हकदार हैं। साउथ अफ्रीका फिर से एक चोकर्स की तरह ही खेली और उनकी किस्मत बहुत बेकार रही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कौन सी टीम वर्ल्ड कप ले जाने की पूर्ण हकदार है। क्या साउथ अफ्रीका अपने ऊपर लगे चोकर्स के दाग को हटा पाएगी इस वर्ल्ड कप में?
यह क्रिकेट की जन्मदाता इंग्लैंड पहली बार अपने घरेलू मैदानों में वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहेगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।